ये ना देखें कि सिर्फ नौकरी से ही आपको मसला हल होगा, हालांकि नौकरी से आपके मसाइल हल नहीं होते। वो यही होता है कि महीने के बाद आपने सैलरी लेनी है, वो पहले 10-15 दिन में खर्च हो जानी है, फिर अगले 2 हफ्ते वही हाल हो जाता है जो हमारे इस चैनल इन्फो राइडर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ सरदार अब्दुल कियो। मैं आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमारे पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मसला चल रहा है, वो ये है कि नौकरी नहीं मिल रही। अब हर तीसरे बंदे को देखें तो उसका यही मसला है। हम मैट्रिक कर रहे हैं, एफए कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, मतलब इस तरह की एजुकेशन हासिल करते जा रहे हैं, लेकिन नौकरियां नहीं मिल रही। तो हर तीसरा बंदा परेशान है, घर वाले भी परेशान हैं, बच्चे भी परेशान हैं। हालांकि मेरा ख्याल है कि असल तालीम का असल मकसद नौकरी हासिल करना तो है ही नहीं। कौन कहता है कि तालीम का मकसद नौकरी हासिल करना है? तालीम का मकसद तो यह है कि अच्छा इंसान बनना। आप नौकरी के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। भाई नौकरियों में कुछ भी नहीं है, नौकरियों में क्या रखा हुआ है? असल काम है कारोबार करना। कारोबार कौन सा? छोटा सा कारोबार करें, छोटा सा कारोबार, सिर्फ 1000 रुपए से स्टार्ट करें। मैं आपको ये कहता हूं कि सिर्फ 2 मुर्गियां ले लें, अब उन 2 मुर्गियों से स्टार्ट कर लें, अब 2 कबूतर ले लें, ऑस्ट्रेलियन तोते आए हुए हैं वो ले लें, छोटे से कारोबार से स्टार्ट करें। जितना टाइम आप नौकरी ढूंढने के लिए दे रहे हैं, आप देख लें, कुछ लोग मैंने देखा है कि 5-5 साल नौकरी के पीछे भाग रहे होते हैं। आपके गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब्स हैं नहीं, बाकी प्राइवेट जॉब का हाल आपके सामने है, क्योंकि अभी हालात चल रहे हैं, कोरोना के हालात चल रहे हैं, ये ऊपर से नई एक मुसीबत आई हुई है। वैसे भी मुल्क में इतनी नौकरियां तो हो नहीं सकती कि अब हर बंदे को नौकरी मिल सके। सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप यही YouTube की वीडियो खोलें, वहां मुख्तलिफ कारोबार के आपको तरीके मिल जाएंगे, आपको आइडिया आ जाएगा। आप 2-4-6 आइडिये देखें, उसमें से जो आपको अच्छा लगता है आप अपने घर से स्टार्ट करें। ये नहीं है कि उसके लिए आप जाके ऑफिस बनाएं, बड़े बड़े खर्चे करें, ऐसा कुछ नहीं है। अपने घर में बैठ के छोटा सा कारोबार स्टार्ट करें, उसको ऐसा ऐसा बड़ा करने की कोशिश करें, उस पर टाइम दें, उसको सीखें। ऐसा ऐसा यही कारोबार आपका 2-4 महीने, 6 महीने, 1 साल लगेगा, बढ़ता जाएगा। आपको आप उसी कारोबार में एक्सपर्ट भी हो जाएंगे, आपका कारोबार भी बढ़ जाएगा। इस तरह के बहुत सारे कारोबार हैं, आपको बहुत सारे आइडियाज मिल जाएंगे, आप इससे स्टार्ट करें। ये ना देखें कि सिर्फ नौकरी से ही आपका मसला हल होगा, हालांकि नौकरी से आपके मसाइल हल नहीं होते। वो यही होता है कि महीने के बाद आपने सैलरी लेनी है, वो पहले 10-15 दिन में खर्च हो जानी है, फिर अगले 2 हफ्ते वही हाल हो जाता है जो नॉर्मल होता है इंसानों का। आपने देखे होंगे नौकरी वाले लोग, उन चक्रों में ना पड़े, अपना कारोबार स्टार्ट करें, छोटा सा कारोबार स्टार्ट करें। बहुत सारे आइडियाज हैं, उन्हीं पर अमल करें और कामयाब करें अपने आप को। दूसरों की तरफ देखना छोड़ दें। सिर्फ करना क्या है? मेहनत करनी है। इसी मेहनत में इतनी बरकत पड़ेगी आप खुद हैरान हो जाएंगे। जितना टाइम आप बाकी इन चीजों में ये टाइम वेस्ट करने में लगे हुए हैं, यही टाइम आप अपने कारोबार को दें, थोड़े से टाइम में आप इतना ग्रो कर जाएंगे। और जिस तरह आप नौकरी करते हैं, 20-25 साल बाद पेंशन आते हैं, आपको पेंशन मिलती है, वो सोचते होती है, यही 20-25 साल आपने अपने कारोबार को इतना टाइम डेली 8 घंटे 10 घंटे डेली टाइम देंगे, तो 20-25 साल में तो वैसे ही आप इतना ज़्यादा वो आपका कारोबार फैल चुका होगा कि आपको वो जरूरत नहीं रहती उसकी पेंशन की या इतने पैसों की, आप तो खुद इतने पैसे कमा लेते हैं। आज़ादी भी है, आपका अपना कारोबार है, किसी पर ऊपर वो है ही नहीं, प्रेशर कोई नहीं है। तो सबसे बेस्ट यही है, अपना कारोबार करें, छोटा करें, बड़ा करें, जितनी गुंजाइश है उतना करें, और कोशिश करें बैंक से लोन लेकर कभी ना स्टार्ट करें। अपने पास जो पैसे पड़े हैं उसी से स्टार्ट करें। ये बेहतरीन मशवरा दे रहा हूं, बाकी चक्रों को छोड़ दें, इसमें आप कामयाब हो सकते हैं। हमारे इस चैनल इन्फो राइडर को अगर आपको ये मेरी ये बातें अच्छी लग रही हैं, आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो इसको शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें। अगर आपको अच्छी नहीं लग रही तब भी हमें नीचे कमेंट्स में बता दें क्या प्रॉब्लम है, हम उसको सही करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।